दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ऑलमोस्ट जो एसएससी सीएसएल 2018 के जो पीएएसए की ज्वाइनिंग है वो चल रही है और सभी का अलोकेशन हो चुका है। यूपी सर्किल का बचा हुआ था तो यूपी सर्किल का भी आ चुका है। इसमें देख लेते हैं एक बार किस किस को कौन सा अलॉटमेंट हुआ है और किस में आगे क्या क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है, इसमें देख लेते हैं। बाकी मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपको कौन सा अलॉट हुआ है। और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। देख लेते हैं इसमें जो पहले अपने सबसे पहले जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताया गया है कि इनकी पीएसए रैंक 2452 है, स्टैम प्लस टू रैंक 3939 है, इनका रोल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ विनप सिंह कैटेगरी है, और कौन सा अलोकेट हुआ है इनको, पीएसयू आरओ अलोकेट हुआ है बताया गया है। ऐसे ही जो आलोक रंजन है इनको आजमगढ़ मिला है, और ऋषभ देव को मिला है मेरठ, नंदन कुमार सिंह को मिला है मुरादाबाद, और जो अवनीश कुमार सिंह को मिला है पीएसबीसीओ है। ये तो थे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इसके बाद में है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया, जैसे महफूज अहमद हैं इनको मिला है लखनऊ जीपीओ, अल्केश द्विवेदी है इनको सीयूआरओ मिला है, रमेश चंद्र को गोंडा मिला है, अमोद कुमार को मिला है वाराणसी ईस्ट, उसके अलावा अनिल कुमार को मिला है हरदोई, नवीन कुमार को मिला है आरएमएस जी डिवीज़न, संदीप जोशी को मिला है एसबीसीओ, अभिमन्यु को मिला है झांसी, अजय कुमार मिश्रा को मिला है आजमगढ़, इंद्रपाल सिंह को मिला है बस्ती। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं रिमेनिंग हैं पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के अलावा उनके बारे में है, जैसे सुजीत मलिक हैं एसबीसीओ हो गया, कुलदीप तिवारी को सुल्तानपुर हो गया, सुनील कुमार त्रिपाठी को हो गया गोरखपुर, विवेक शर्मा को हो गया आगरा, सूर्य प्रकाश पांडे को हो गया आजमगढ़, अविनाश शुक्ला को हो गया सीयूआरओ, रामजी उमर को हो गया कानपुर, राहुल यादव को हो गया कानपुर, देवेंद्र सिंह को हो गया लखनऊ, अभयदीप को हो गया आगरा, रवि कुमार को हो गया झांसी, अश्विनी राज को हो गया सीयूआरओ, प्रशांत मौर्य को हो गया रायबरेली, पूजा कुमारी को हो गया देवरिया, अतुल मिश्रा को हो गया आरएमएसओ, शशांक गुप्ता को हो गया गोंडा, उपवन मलिक को हो गया मुजफ्फरनगर, शिवम श्रीवास्तव को हरदोई, सत्यम राज को हो गया आरएमएस जी डिवीज़न, वैशाली को हो गया प्रयागराज, आफ्ताब को हो गया बंडा, वैभव को हो गया सीयूआरओ, उसके अलावा है निशान चंद्र को है एसबीसीओ, सौरभ द्विवेदी को है बस्ती, दिलीप कुमार को है सीयूआरओ, ऐसे दीपक कुमार हैं इनको मिला है मिर्ज़ापुर, सुगम मलिक को है मेरठ, पंकज कुमार को है बलिया, रोहित कुमार को है आरएमएसओ डिवीज़न, अक्षय कुमार को है बुलंदशहर, और शिवदानी कुमार को है आरएमएसओ डिवीज़न, कुणाल श्रीवास्तव को है एसबीसीओ, आकाश को है अलीगढ़, उसके अलावा गौरव कुमार को है आरएमएसबीएल डिवीज़न। हालांकि मैं इसको भी शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ज्योति कुमारी को है इटावा, नीति सिंह को है एसबीसीओ, और इसके अलावा अब आगे इसमें कौन कौन सी आगे प्रोसेस होगा वो भी आपको बताता रहूँगा मैं धीरे धीरे, जैसा अभी कुछ मालूम पड़ेगा। हालांकि जैसे मोस्टली सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। कन्हैया लाल को है आरएमएस ए डिवीज़न, विनोद कुमार वर्मा को है कानपुर, और नंद किशोर सिंह वर्मा को है आरएमएस एचएच, तनु मौर्य को है रायबरेली, पंकज को है एसबीसीओ, गोविंद गुप्ता को है बलिया, रामजी गुप्ता को है कानपुर एम, उसके अलावा शुभम राज को है प्रतापगढ़, अमन वर्मा को है फतेहगढ़, अक्षय कुमार को है बिजनौर, उपेंद्र कुमार को है एसबीसीओ, प्रिय रंजन को है एसबीसीओ। यहाँ काफ़ी सारे कैंडिडेट थे, काफ़ी लिस्ट बड़ी है। अंशु आनंद है इनको एसबीसीओ है, रोहित कुमार को है एटा हो गया, सुमित को हो गया फतेहपुर, मनीष को हो गया गोंडा, अशोक कुमार मीणा को हो गया बुलंदशहर। ये बताया हुआ है कि इसका कोड का क्या मतलब है, 0 को EWS बोलते हैं, 1 को बोलते हैं SC, 2 को ST, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इनके आगे बताया नहीं गया है कि आगे आपका कौन कौन सा प्रोसेस, जैसे DV वगैरह होता है डिपार्टमेंट का, अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आगे आपको बता दूंगा मैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसे कनेक्ट हो जाएँ, जिससे आप आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।